देवस्मिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम मस्टर्ड ड्रमस्टिक की सूखी सब्जी बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं मस्टर्ड ड्रमस्टिक सूखी सब्जी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत होता है। मैं ये 5 ड्रमस्टिक ली हूँ, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। उसके साथ एक मीडियम साइज की आलू ली हूँ। आलू डालेंगे तो हमारे मस्टर्ड ड्रमस्टिक की सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाएगी। 3 बड़े चम्मच तेल ली हूँ, जरूरत के हिसाब से ही तेल डालेंगे। 1/4 छोटी चम्मच राई, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1 मीडियम साइज प्याज को लंबाई में बारीक बारीक काट ली हूँ, 3-4 लहसुन की कली को उखली में दरदरा कूट ली हूँ, 1/4 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 मीडियम साइज टमाटर का प्यूरी बना ली हूँ, 1 छोटी चम्मच राई पेस्ट। इसमें जीरा, लहसुन और राई मिली हुई है। इस पेस्ट में ये तीनों की मात्रा कितनी होनी चाहिए और इसे बनाने का एक ट्रिक है। अगर उसी ट्रिक से हम बनाएंगे तो हमारी सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाएगी। तो इस वीडियो का लिंक मैं मेरे कमेंट बॉक्स में दे दी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। नमक एक तिहाई छोटी चम्मच। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम ड्रमस्टिक को काट लेते हैं। दोनों साइड को पहले इस तरह से काट के फेंक देंगे, फिर इसे 2.5 इंच की लंबाई रखकर पीस पीस करके काट लेंगे। इस तरह से काटने के बाद इसके छिलका निकाल लेंगे। सारे कटी हुई सजन की फली से ठीक इसी तरह से छिलका निकाल लेते हैं। अगर छिलका हाथ से नहीं निकल रहा है तो इसी तरह से चाकू की सहायता से छिलका निकाल लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा छिलका हम निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा छिलका रह जाएगी तो सब्जी हमारी कड़वा लग सकती है। अगर थोड़ी थोड़ी छिलका रह जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रमस्टिक की छिलका इसके सीजन में बहुत आसान से निकल जाती है। ये ऑफ सीजन का ड्रमस्टिक है, इसलिए इस तरह छिलका निकालना पड़ती है। पर ये खाने में बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है। इसमें आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। ठीक इसी तरह से सारे फली को काट लेते हैं। मैं सारे ड्रमस्टिक से छिलका निकाल ली हूँ। अभी इसे साइड करके आलू को काट लेते हैं। पहले आलू का छिलका निकाल लेते हैं। इस तरह से आलू का सारे छिलका को निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह लंबाई में बीच से काट लेते हैं, क्योंकि हमारी ड्रमस्टिक भी लंबाई में कटी हुई है। फिर इसे 0.5 सेंटीमीटर की मोटाई रख के ठीक इसी तरह लंबाई में काट लेते हैं। इस तरह काट लेंगे। देखिए 0.5 सेंटीमीटर की मोटाई रख के हम इसे काटा है। आलू का दूसरी भाग को भी ठीक इसी तरह काट लेते हैं। गैस ऑन करके पैन बिठाते हैं और राई मसाला में थोड़ी सी पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाकर इसे पैन में डाल देते हैं। टमाटर प्यूरी को डाल देते हैं, साथ में नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर डाल देते हैं और थोड़ी सी पानी डाल देते हैं। मैं इसमें करीब 2 ग्लास पानी दिया हूँ, लगभग 1/2 लीटर पानी होगा। अच्छे से उबाल आ जाने के बाद ही हम इसमें ड्रमस्टिक और आलू को डालेंगे, नहीं तो हमारी ड्रमस्टिक अच्छे से पक नहीं पाएगी और टेस्ट उसकी ख़राब हो जाएगी। देखिए अच्छे से उबाल आ रही है। पहले हम इसमें सारे ड्रमस्टिक को डाल देते हैं। ड्रमस्टिक और आलू को काटने से पहले मैं अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया था, इसीलिए काटने के बाद मैं ड्रमस्टिक और आलू को और नहीं धोया। सारे ड्रमस्टिक को मसाला पानी के अंदर डुबा देते हैं और एक अच्छे से उबाल आने तक वेट करते हैं, फिर जाके हम आलू को डालेंगे। अगर साथ में आलू को डाल देंगे तो आलू बहुत ज़्यादा पक जाएगी और हम जब इसे फ्राई करना शुरू करेंगे तो आलू साबुत नहीं रहेगी, छोटा छोटा पीस में टूट जाएगी और अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी। देखिए अच्छे से उबाल आ रही है। अभी हम इसमें आलू को डाल देते हैं। आलू को मसाला पानी के अंदर डुबा देते हैं। ड्रमस्टिक बनाने का और एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। पानी में अच्छे से उबाल आने के बाद ही हम ड्रमस्टिक को डालेंगे, फिर ड्रमस्टिक में अच्छे से उबाल आने के बाद ही हम इसे ढकेंगे। अभी इसे ढक करके मीडियम आंच पे 15-20 मिनट के लिए बिठा देते हैं, ताकि आलू और ड्रमस्टिक अच्छे से पक जाए और इसके सारे पानी ख़त्म हो जाए। बीच बीच में 1-2 बार चेक कर लेंगे ताकि सारे पानी ख़त्म हो के हमारी सब्जी जल न जाए। 20 मिनट हो गए हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए सारे पानी ख़त्म हो गए हैं, हमारी सब्जी भी अच्छे से पक गई है। इसे हम साइड कर लेते हैं और इसे फ्राई करने के लिए दूसरा पैन बिठाते हैं। अभी गैस को तेज़ी कर लेते हैं ताकि पैन जल्दी गर्म हो जाए। पैन गर्म हो गई है, अभी हम पैन में 1/2 तेल डाल देते हैं और 1/2 बचा के रखते हैं, ज़रूरत होगा तो बाद में डालेंगे। तेल गर्म हो गई है, अभी हम इसमें राई और जीरा को डाल देते हैं और इन्हें अच्छे से फ्राई होने देते हैं। 1/2 कवर कर लेते हैं ताकि राई हमारे ऊपर चिड़क कर ना आए। सारे राई और जीरा फ्राई हो गई है, अभी हम इसमें प्याज को डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम में प्याज को 1/2 पकने तक हम फ्राई करते हैं। प्याज 1/2 पक गई है, अभी हम इसमें लहसुन को डाल देते हैं और लहसुन को 1/2 मिनट के लिए फ्राई करते हैं, ताकि लहसुन से अच्छा खुशबू आना शुरू हो जाए। लहसुन से अच्छा खुशबू आना शुरू हो गई है, अभी हम इसमें सारे ड्रमस्टिक को डाल देते हैं। ड्रमस्टिक को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई करते हैं, ताकि मसाला ड्रमस्टिक में अच्छी तरह से लग जाए और ड्रमस्टिक 1/2 फ्राई हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, ड्रमस्टिक 1/2 फ्राई हो गई है, अभी हम इसमें आलू को डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम में दोनों को मिला के और 3 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। हमें और तेल की ज़रूरत नहीं पड़ी, जितनी तेल हम पहले डाले थे उतने तेल में ही हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई।
अगर तेल कम पड़ जाता तो फ्राई करते समय और थोड़ी सी तेल डालना पड़ता। 3 मिनट हो गए हैं, हमारे ड्रमस्टिक आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अभी हम इसे सॉल्व करने के लिए एक दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। आपके मस्टर्ड ड्रमस्टिक आलू की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप चावल डाल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं, क्योंकि इसमें आलू डाली हुई है। आप इसे बनाइए, खाइए। आपको कैसा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।